और ये आबद बाबू इसमें खड़े हुए हैं। अच्छा, ये वो पुल है जो मैंने एक हफ्ता पहले यूट्यूब पे देखा था, जिसमें जिस बंदे ने वीडियो बनाई थी उसमें ये उसने बोला था कि यार ये एक वाहिद पुल है जनूबी एशिया का, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान का, सिर्फ जनूबी एशिया का। इसमें ये है कि इस पुल के नीचे से दोनों तरफ से रोड गुजरता है, आप जैसे देख रहे हैं वहाँ से ये सारा रोड इस तरह पुल के नीचे से गुजर रहा है। तो ये जनाब ऐसा पुल है जिसके नीचे से दोनों तरफ से लोग गुजर रहे हैं गाड़ियों में, और ये अंग्रेज़ों का काम है जनाब, देख ले आप। अच्छा जी, आप देख रहे हैं इस पुल को जनाब, देख रहे हैं इस पुल को जनाब। वैसे आप हैरान होंगे कि अंग्रेज़ों ने इस तरह का पुल बनाया है, लाइक कोई सोच ही सकता, हाउ दे मेक दिस थिंग, लाइक इट्स अमेजिंग एंड दे मेड दिस लिटरली, लाइक स्टिल अभी तक ये अपनी जगह पे उसी तरह खड़ा हो जिस तरह आज से कितने ही सौ साल पहले अंग्रेज़ों ने बनाया था इस पुल को। अमेजिंग, अभी से कहते हैं इंजीनियरिंग, हमारे BRT की तरह नहीं है। अच्छा, तो फाइनली वी रीच हियर बाब खैबर। हम लोग तो कम भी गए, बड़ा अच्छा ट्रिप था ये, लेकिन ये है कि आगे हमें नहीं छोड़ा अफगानियों ने, हम लोग को बेबी बॉर्डर के पास थे लेकिन हमारे पास वीज़ा नहीं था इसलिए हम लोग आगे नहीं जा सके। तो लाइक बहुत अच्छा व्यू है, लाइक आप कह सकते हैं यार कि आना चाहिए आपको, पाकिस्तान को विज़िट हर जगह से करना चाहिए, हर जगह पर आपको विज़िट करना चाहिए जी। तो ये अफगानिस्तान की तरफ रास्ता जाता है ये सारा, वी आर ट्रेवलिंग टू दुरखम, बट द थिंग इज़ दैट के आगे हमारे पास पासपोर्ट नहीं है और यहाँ पर पासपोर्ट की ज़रूरत है आगे दुरखम की तरफ जाने के लिए अनफॉर्चुनेटली। और ये आज रब्बा रास्ते बंद है, ये आप देख सकते हैं, तेज़ रास्ते।